हेलो एवरीवन, मैं नितिन रीना ऑफिशियल, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। गाइस, तो आप लोग कैसे? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, सुबह का टाइम है जो है, सब आप लोग जो है सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि। तो 9 दिन का जो है जो जो व्रत रहते हैं उन लोग को सबको जो है बधाई। और उसके बाद जो है नवरात्रि का टाइम है, बहुत ही अच्छा लगता है। 9 दिन ऐसा लगता है कि माता जी हमारे घर में जो है मतलब साक्षात जो है मतलब 9 दिन का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस टाइम वाला तो और ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, घर में कितनी रौनक रहती है। तो गाइस, सुबह मैंने लंच शिवांश को जो है ना मतलब लंच उनको दे दिए थे, वो स्कूल चले गए। तो फिर उसके बाद होता क्या, बच्चों को अपना लंच दे दो, फिर उसके बाद शायद जो काम करो। हमारा किचन भी साफ हो गया, झाड़ू पोछा भी कर लिए। तो जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ, तो चलिए मैं रेडी होके मिलती हूँ। तो गाइस, ये जो है मतलब पाठ पढ़ रहे हैं जो है, उसके बाद हम जो है अपना जो पूजा करना है पूजा कर दे रहे हैं। पालन होता है सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना साथ बना जगन्मयी देवी जगत की उत्पत्ति के समय तुम शुद्ध रूपा हो पालन से पालन प्राण स्थिति रूपा होता था कल पांच के समय संघार रूप धारण करने वाले क्योंकि तुम बाद में पढ़ महाविद्या रहे हैं, पाठ महामाया सुनेंगे महागदा ना तो सही महाकृति रहेगा, क्योंकि महामनोरूपा महादेवी और महासुरी तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाले सभी प्रकृति भयंकर काल राशि महारात्रि मोह रात्रि भी तुम्ही हो तुम्ही श्री तुम्ही ईश्वरी तुम्ही दुर्गी और तुम्ही बोध बोध स्वरूपा बुद्धि और लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा भी तुम्ही हो तुम खड़ तो गाइस, ये देखिए हम भगवान को जो है मतलब माता जी को जो है ये देखिए अभी फूल चढ़ा रहे हैं। प्रसाद जो भी फूल हमने फूल चढ़ा दिए थे जो है, अब उसके बाद माता जी को ये भोग लगा है। हमें जो जिस तरीके से आता है गाइस पूजा करना, उसी हिसाब से करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, जो आता है अच्छे से मैं करती हूँ। क्योंकि इस पे क्या था जो चौकी पे सारा सामान रख लिए थे, तो उसपे वहां माता जी को बैठा दिए हम जो है। देख नहीं रही हूँ, जैसे पूजा होता है उसी तरीके से। फिर उसके बाद पाठ वगैरह पढ़ा जाता है मेरे यहाँ, सब कुछ जो है भगवान का जो है लगा दी हूँ, बत्ती लगा दी हूँ। सबको टीका कर दे रहे हैं। तो आप लोग भी जो है ब्लॉग में जुड़े रहिए। माता जसी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश। जननी जय जय माँ जगजननी जय जय, हर हारणि भवतारणि स्वगामी जय जय माँ जगजननी जय जय, सत्यसूहि जतचित्सुखमय शुद्धब्राह्मणु। तो गाइस, ये देखिए हम पूजा करके आ गए हैं किचन में जो है। ये आलू हम अपना उबाले हैं, जो आलू दिखा दे रहे हैं आप लोग को, आलू चढ़ा दिए थे पहले, नहा के आए तो आलू चढ़ा दिए थे। फिर उसके बाद चाय चल रहे हैं चढ़ाने के लिए, बाकी जो बनेगा भी देखते हैं, क्योंकि व्रत में मूंगफली वगैरह सब भूनेंगे जो है। चलिए आप लोग ब्लॉग में जुड़े, चलिए पहले सबसे पहले एक कप चाय पियेंगे जो है। तो ये देखिए गाइस जो है हम उसके आलू, ये हमारा कट गया है जो है व्रत के लिए, आलू हमने काट लिए हैं। और उसके बाद ये हम मूंगफली जो है फ्राई कर दे रहे हैं, क्योंकि जो है आलू बना लेंगे मूंगफली जो है। और ये हमने ये देखिए हमने हलवा भी बनाया है सिंघाड़े का, कुट्टू के आटा का, जो अभी इसको हम पीस पीस काट लेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको ऊपर से तेल लगा दिया, नीचे भी लगा दिए, तो अभी काटेंगे तो अभी सही से नहीं कटेगा जो है।
तो चलिए जो है आप लोग भी अपने घर पे बढ़िया एंजॉय कीजिए, बना रहे होंगे जो है, तो हम भी जो है बस ये व्रत का तो व्रत वाला ही रहता है। और कितना अच्छा लगता है व्रत वाला जो है बनाने में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमारा हलवा वलवा सब बन चुका है, बस ये मूंगफली फ्राई कर रहे हैं। तो ये देखिए गाइस जो है हम आलू फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि तो हमारा जो हलवा भी बन चुका है और उसके बाद ये तरफ हमने चाय भी चढ़ा दी है, चाय हमारी हो भी गई है। ये आलू और जो है हमने फ्राई कर दिए हैं। तो व्रत में यही सब बनता है गाइस, और क्या बनता है, शाम को जो भी रहेगा बनाएंगे, क्योंकि इसे बोल रहे थे साबूदाना का पोहा, कहे नहीं वो रहने दो, आलू है ये सब चीज़ भारी हो जाएगा। हमारी आलू हो चुकी है। तो गाइस आप लोग का अगर आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।